हेलो मिस्टर रेडी, हियर कम्स योर डैडी। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक एक बार फिर से हो चुका है एक ग्रैंड युद्ध। खत्म। मतलब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला भड्डा एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है। तो इस भड्डे या फिर कंट्रोवर्सी का फायदा उठाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। रीजन है व्यूज। शाबाश। क्योंकि व्यूज नहीं आते भैया। तो इतना लाइफ खराब हो गया। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि ये अगेन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक स्टार्ट हुई कैसे। कुछ दिन पहले ही ठगेश ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने अदनान 07 की वीडियो पर रिएक्ट किया था। बेसिकली बोले तो इसकी एक वीडियो में कुछ मिस्टेक्स निकाली थी और अदनान 07 की वो वीडियो थी ये। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हुआ। अब सिंपल, जब वीडियो शुरू होती है तो ऐनक अदनान की गिरीबान में लटकी हुई थी और अगले ही सीन में वो ऐनक गायब हो जाती है और फिर इससे अगले सीन में अदनान वही ऐनक अपनी जेब से निकाल रहा होता है। अब इस चीज पर अदनान हो जाता है ऑफेंड। लानत है तुम लोग पे, लानत। और वो ठगेश के इस रिएक्ट का रिप्लाई दे देता है और ठगेश को धमकियां भी मिलती हैं। मैं केरला में था एंड मुझे इसका कॉल आया एंड ये मुझे माँ बहन की गालियां देने लगा, मारपीट की धमकी देने लगा। केरला में अगर फ्लड्स के बाद कोई घटिया एंड भैया चीज आई है ना, तो वो है अदनान शेख का कॉल। जिसके रिप्लाई में ठगेश फिर से एक मुकम्मल रोस्ट वीडियो अदनान 07 पर निकाल देता है और बस यहां से होती है YouTube वर्सेस TikTok बैटल 2022 की शुरुआत। और हम बिना बुलाए मेहमान की तरह इस जंग में शमूलियत के लिए आन पहुंचे। अब जो होगा देखा जाएगा। YouTube और TikTok कम्प्लीटली एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जो कंटेंट आपको YouTube पर देखने को मिलता है उस कंटेंट का आप TikTok से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। YouTube पर जो वीडियोस आप देखते हो उसके पीछे प्रॉपर एक थिंकिंग होती है टॉपिक के लिए और इस थिंकिंग के बाद प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग का और स्क्रिप्टिंग के बाद बारी आती है शूट की और जब ये भी मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद एक कठिन मरला होता है एडिटिंग का और इन तमाम मराहल पर अनथक मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होती है जो आप तक पहुंचती है YouTube के थ्रू। यानी जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे होते हैं उसके पीछे क्रिएटर की अनथक मेहनत होती है। और दूसरी तरफ बात करें अगर TikTok की, तो इसकी बात ना ही करें तो अच्छा है। TikTok पर आपको सिर्फ लिप सिंक, सस्ती एक्टिंग और हाई लेवल का क्रिंज ही देखने को मिलेगा। कोई भी साउंड इफेक्ट लगाया और सिर्फ 30 सेकंड में मुकम्मल वीडियो तैयार हो जाती है। नो थिंकिंग, नो स्क्रिप्टिंग, नो शूटिंग एंड नो एडिटिंग, मतलब कम्प्लीटली नो एफर्ट कॉन्टेंट। तो चलिए जरा आपको TikTok कॉन्टेंट रिलेटेड कुछ सैंपल दिखाते हैं। और बात चूंकि अदनान 07 की हो रही है तो सैंपल के लिए वीडियोस भी तो उसी की होनी चाहिए ना। बात तो सही है। एंड दिस इज द कॉन्टेंट। यानी कोई भी साउंड बैकग्राउंड में प्ले किया और सामने खड़े होके उल्टा सीधा हाथ पांव चला के मुजरा किया और इनका अल्ट्रा प्रो मैक्स कंटेंट तैयार हो चुका है। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का, ये ले। भाई इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा उनको। आई रिमेम्बर ये डायलॉग मुन्ना भाई का है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लिप सिंक करके अपना पूरा कॉन्टेंट बना डाला। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा उनको। Look at this dude. No. इनके रिएक्शन देख रहे हो, इतनी घटिया और सस्ती एक्टिंग और इसे देखने के बाद आई वॉज लाइक ये क्या है, ये तो टट्टी है। और चलो जरा इस वीडियो के कॉमेंट तो चेक करें, टट्टी क्रिंज वीडियो। तेरे जैसों से हम लोग संडास भी साफ ना करवाएं, गजब बेइज्जती है। और इसे आगे मैं मजीद पढ़ नहीं सकता क्योंकि गालियां ही कुछ ऐसी दी हैं लोगों ने।
और छोटू पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? क्या बोला तूने? वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है कि इसने कोई पढ़ाई भी की होगी, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेते हैं। अदनान भैया कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गया। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। ये तो इन लोगों का कंटेंट है। सामने से चलकर वॉक की और बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक ठोस तो डजंट मैटर, यानी अगर इस वीडियो के पीछे मैं कोई भी म्यूजिक लगा दूं तब भी वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें छापरी रुको जरा, सबर करो। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। मुझे अपने घर जाना है। इस वीडियो को ये शख्स सिर्फ साउंड इफेक्ट बदल के बार बार भी अपलोड कर दे तब भी इसकी तरफ से एक नया कंटेंट, एक नई वीडियो ही होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो खैर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। टॉपिक ट्रेंडिंग में था तो सोचा क्यों ना हम भी वीडियो बना दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आपका फेवरेट ऐप कौन सा है यूट्यूब और टिकटॉक में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर देना। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I... Bilkul chup.